अरे भाई कैसा था पेपर? अच्छा था, मुश्किल था थोड़ा। कितना मतलब 2020 के कंपेयर में कैसा था? पता नहीं अब। पता नहीं मतलब तूने सॉल्व नहीं किया क्या? किया पर 2020 का पेपर नहीं सॉल्व किया? नहीं। क्यों? इट्स ओके फाइन। तो तुझे अच्छा गया? ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है बाकी आपसे मिलके। अरे इट्स ओके थैंक्स। आशीर्वाद रखना भैया। अरे आशीर्वाद। इसलिए आप बड़े हो ना, सीनियर हो ना, मुझसे इसलिए बोल रहे हैं। अरे टेंशन मत ले यार, आज उठने के लिए बहुत टाइम हो चुका है। बहुत मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इतना टाइम हुआ है। मतलब फिर आप लोग जज करोगे, आप लोग फिर बोलोगे कि यार MBBS में हो के भी इतना देर से उठता है, इतने देर से उठता है। वैसे यार आज का दिन बहुत स्पेशल, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ना, बहुत ही स्पेशल है। मतलब आज कुछ है, आज वो दिन है जिस दिन का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखते क्या आगे। वैसे वैसे देर तो हुई है आज उठने में, नींद से उठने में, नींद खुलने में, बट आज के दिन इतना स्पेशल है कि यार मतलब इसी दिन का इंतजार कर रहे थे सब लोग, है ना। तो आज के दिन स्पेशल है तो यार जाने दो, होता है एक आध दिन अगर थोड़ा सा लेट भी उठे तो इट्स फाइन, है ना। वैसे यार अपना कैमरा जो है ना वो बिजी है, थोड़ी देर पहले मैंने इसको टाइम लैप्स पे लगा दिया है, बट यार क्या करूँ, टाइम लैप्स पे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। देखो आप ही देख सकते हो, मतलब अभी मैंने उसको टाइम लैप्स पे लगाया थोड़ी देर पहले, और देखो टाइम लैप्स को लगाने से क्या फ़ायदा यार, मतलब क्या फ़ायदा। इतनी बारिश चालू हुई, बहुत ज़ोर से बारिश चालू हुई है। एनीवेज देखते कैसा भी बात है। वैसे यार अभी बज के ऑलमोस्ट 12, इसे सुबह का 12 बोले या दोपहर के 12 बोले, दोपहर बोल सकते हैं या सुबह बोल सकते हैं पता नहीं, बट मैं अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। और ये प्यारा सा मेरा पॉट जो कि कल ही आया है ना, इसे लकी प्लांट भी बोलते हैं शायद, बाम्बू प्लांट है ये लकी प्लांट। वैसे आज जब मैं जा रहा हूँ ठीक है, तो मेरे साथ आ रहे हैं मेरे जूनियर्स, दो जूनियर्स को लेके जा रहा हूँ, है ना। अगर वो होना चाहिए ना, अगर सपोज मैंने किसी को क्वेश्चन पूछा है ना कि कैसा गया पेपर, और फिर उसको बुरा लगा और मुझे कोई मारने लगा तो ऐसा हो सकता है। तो कोई भी तो मतलब कोई भी सपोर्ट के लिए चाहिए ना, इसके लिए मैं दो जूनियर्स को लेके जा रहा हूँ मेरे, जो कि 2020 बैच के है ना। तो जाते अभी देखते है ना, टाइम तो हुआ है ऑलमोस्ट, इट्स बीन अराउंड 4 o'clock है ना, 4 बज चुके हैं अभी, तो 5 बजे हमारी मतलब 2 से 5 एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम अभी ख़त्म होगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो यार मुझे ऐसा लगता है, देखते हैं, मैं तो ऐसा मतलब मेरी तो ऐसी, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार एग्ज़ाम जो है ना आज की वो इजी आएगी, है ना, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, और ऊपर से वो 20 क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शन में है ना, मतलब 180 क्वेश्चंस थे पहले, तो अभी 200 क्वेश्चन हो चुके जो कि 20 ऑप्शन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार नॉर्मली होगा सब जो भी है ना। अगर पूरा अगर कैलकुलेट करें, पेपर लेवल थोड़ी डिफिकल्ट भी आया या ईजी भी आया, वॉट एवर जो भी है, बट 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ऑप्शन में, तो मुझे ऐसा लगता है यार एनीवेज सबको अच्छा ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो वैसे हम आज जा कहाँ रहे हैं? सबसे पहले तो आज तारीख है 12th of September है ना, तो आज है नीट 2021 का एग्ज़ाम, मतलब जिस दिन का बेसब्री से सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, है ना। तो हम जाएंगे आज एक हाथ एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे,
है ना, तो वहाँ पे जाके जो भी स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं सबसे पूछने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम कैसी थी। अब देखते हैं कौन फेस करता है, लाइक कौन मतलब कौन आंसर देता है नहीं देता है ना, अगर देखते बाकी देखते बाद। हाँ तो भैया जा रहे थे, पहले तो सोचा था हमने कि जाए हम मेट्रो से, नागपुर मेट्रो की सैर करते करते जाएंगे सेंटर पॉइंट स्कूल पे, बट बात ऐसी हुई कि टाइम के चलते मौसम के हाल देख के ऐसा लगा कि यार नहीं ये सही नहीं होगा, हम जा रहे फिर वो सब प्लान फेल हो जाएगा है ना, प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तो हमने कैब की और हम जा रहे हैं, अभी देखते हैं टाइम पे पहुंच पाते हैं नहीं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम जाए और फिर सब वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ, सब कुछ अपने अपने घर है ना, ऐसा ना हो। बारिश है करे बाहर, वो चाइना की छतरी भाई, चाइना से जब आया तो छतरी लाया तुमने उसे ऐसे नहीं करना पड़ता, पहले उसे बंद कर दे, हाँ वैसे कर दे, ठीक है चले ये बहुत मज़े की बात है, मतलब अभी हम यहाँ पे आए मतलब स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे और बाहर जो अगली एग्ज़ाम है, अगली साल की एग्ज़ाम है उसके प्रॉस्पेक्ट लेके कोचिंग वाले वो प्रॉस्पेक्ट लेके खड़े। सेंटर का नाम क्या है? अच्छा सेंटर पॉइंट स्कूल, अगर वही एक क्वेश्चन पूछना था। नहीं क्यों नहीं पूछना, ठीक है आओ, अरे आओ आओ, अरे अरे इट्स ओके इट्स ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन। कैसा था पेपर? ठीक था, मतलब अच्छा था पेपर, फिजिक्स का मुझे थोड़ा हार्ड गया बाकी खुश है, जितनी मेहनत की थी उतना अच्छा तो नहीं गया। अरे यार ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तूने मेहनत की है ना बस 100% आउटपुट मिलेगा, दैट्स इट, अब टेंशन मत ले, चिल मार घर पे जा चिल मार, अभी आंसर की आज मत चेक करना कल चेक करना, ठीक है चलो थैंक यू। कैसा गया पेपर, कैसा गया? अच्छा जोर से बोलना यार। अच्छा गया, अच्छा गया होता तो जोर से बोलती, बहुत एनर्जी से बोलती। अच्छा गया सच में। फिजिक्स कैसा था? फिजिक्स थोड़ा डीप टफ था बट अच्छा गया। केमिस्ट्री वो 50% टफ था। मुझे बता कि ये जो 2020 का पेपर था पिछले साल का उसके कंपेयर में कैसा था? 2020 का पेपर बहुत ईजी था। अच्छा इससे ईजी था, तुमने सॉल्व करा था 2020 का? ग्रेट, ठीक है चल हो जाएगा सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। अरे भाई कैसा था पेपर? अच्छा था, मुश्किल था थोड़ा। कितना मतलब 2020 के कंपेयर में कैसा था? पता नहीं अब। पता नहीं मतलब तूने सॉल्व नहीं करा क्या? किया 2020 का पेपर नहीं सॉल्व किया? नहीं क्यों?
इट्स ओके फाइन. तो तुझे अच्छा गया? ऑल द बेस्ट. अच्छा था, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं था. नॉर्मल था क्या 2020 जैसा? हां, 2020 का पेपर था. हां, मॉडरेट में था. मॉडरेट. हां, तुझे कैसा गया? मतलब हमने सॉल्व किए जितने सॉल्व किए, अच्छे से सॉल्व किए. सभी सॉल्व किए ना? हां. और जो नया पैटर्न आया उसकी सबसे? हां, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा था. अच्छा, और क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए? सॉल्व किए, क्वेश्चन जितना आता था उतने सॉल्व किए. हां, फिर बाकी के तो चल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. यार कई कई तो लोग बहुत एक्साइटेड है, कई कई लोग तो यार बहुत मतलब ऐसे कि यार मतलब उन्होंने कभी मतलब इतना डिफिकल्ट फिजिक्स का ऐसा डिफिकल्ट आया किसी का केमिस्ट्री किसी का बायो है ना. कई लोग तो बोल रहे हैं हमने 2020 का पेपर सॉल्व ही नहीं किया तो उनको ऐसा क्वेश्चन पूछ गए मतलब 2020 के कंपेयर में कैसा था तो उनका अलग ही रिएक्शन. कई कई लोग तो भाग गए मतलब समझ सकते बाकी हो गए है ना. तो देखते अभी कोई मिलता है क्या, चार पांच लोग तो मिले हमें, बाकी तो हम देख के ही समझ गए बाकी का क्या रिएक्शन होगा है ना. तो मिलते. पेपर कैसा था? मुझे पेपर तर माहिती का कसा खूप जास्त इजी होता तसं म्हटलं तर पूर्ण. थोडं फिजिक्स म्हणजे असं मला वाटलं की म्हणजे लेंदी वगैरे नव्हतं, पण ॲक्च्युली अभ्यास चांगला झाला असेल ना तर पेपर खूप इझी होता जसं आधी म्हटलं तसंच. बहुत अच्छा लग रहा है बाकी आपसे मिलके. अरे ओके थैंक्स. आशीर्वाद रखना भैया. अरे आशीर्वाद. आप बड़े हो ना सीनियर हो ना मुझसे इसलिए बोल रहे हैं. अरे टेंशन मत, मराठी है. नक्कीच नक्कीच. थैंक यू. आप लातूर में थे ना इसलिए. 2020 के कंपेयर में कैसा था पेपर? 2020 का जो पेपर था एक्चुअली वो भी इजी था. वो भी बोल रही हूं क्योंकि ड्रॉपर है ना इसलिए. एक्चुअली मैं ड्रॉपर हूं. हां तो वो भी अच्छा था लेकिन उस बार मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो उतना की नहीं थे मैंने तो वो भी इजी था लेकिन वो उतना थोड़ा नहीं. इस बार इतने अटेम्प्ट नहीं किए थे, इस बार बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने में आए. हां हां कंपेयर अगर कंपेयर किए तो ओके क्योंकि हां 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे ना. हां 180 मतलब 200 क्वेश्चन थे उससे प्रॉपर था लेकिन थोड़ा मतलब अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हुआ तो फिर प्रॉपर अच्छे से हुआ. तो गलती थी नहीं की ना सर्कल करने में? एक्चुअली एक गलती तो मैंने की आज ही की. रैंक मेरी बहुत -5 हो गए मेरे लेकिन अब क्या करते हैं. अबे चलता है चलता है होता है. बट ये याद रखना कि अगर तुझे अच्छा गया ना पेपर तो तेरे जो मार्क्स है ना एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा है. डोंट वरी चिंता मत कर. मैंने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे पर इस बार ज्यादा अटेम्प्ट करने में है और ज्यादा सही भी है कंपैरेटिवली क्योंकि लास्ट टाइम पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हुई थी मेरी, इस बार अच्छे से हुई. अरे हो जाएगा तुझे. अच्छा तो गया ना काफी. चिल मार. ऑल द बेस्ट. बस MBBS में हो जाना चाहिए. अरे हो जाएगा. अरे टेंशन मत ले. कैसा गया पेपर? मेरा पेपर उतना अच्छा तो नहीं गया क्योंकि मेरी प्रिपरेशन कुछ नहीं थी और मेरे क्लासेस वगैरह कुछ कोचिंग क्लासेस नहीं थे. मैंने 11 12th के बेसिस पे अपना किया और तो आपको पता ही है. और 11 12th में कुछ पढ़ाया भी नहीं. वैसे भी 12th का पूरा साल ऑनलाइन में गया और बस आके पेपर देना है बस. चलता है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. एक लड़का मिल गया. उसको भी पूछो, वो तो बहुत सिंसियर है. अभी एग्जाम दी? हाँ. कैसा था? अच्छा था. मतलब अगर 2020 से कंपेयर करें, नीट 2020 का जो एग्ज़ाम थी पिछले साल की उससे कंपेयर करें तो कैसा था? मुझे पसंद. मतलब तूने सॉल्व नहीं किया क्या? कोचिंग का अभी? कोचिंग ही. अच्छा तो सेल्फ प्रिपेयर किया तो तुझे अच्छा गया? कोई ना. ऑल द बेस्ट.
बहुत बहुत मतलब यार बहुत टाइम हो चुका है यार, मतलब 7 बज चुके हैं शाम के, है ना, पेपर 5 बजे छूटा था भाई, ये बारिश ना होती ना आज तो यार, एनीवेज बारिश चल रही थी ऊपर से, हम लोग शूट कर रहे थे, है ना। चलो ये किस्सा मैं कल सुबह बताता हूँ। तो हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हम गए थे शूट पे, बहुत मज़ा आया यार बहुत, क्योंकि ये मेरा पहला आउटडोर शूट जिसे हम ब्लॉग बोल सकते हैं ना, ये मैं फर्स्ट टाइम गया था यार, मतलब इट वॉज अमेजिंग यार, इट वॉज ऑसम, मतलब फर्स्ट टाइम था जो मैंने एक्सपीरियंस किया, है ना, जो कि लोग ऐसे देख रहे हैं हमारी तरफ, ये क्या कर रहे हैं भाई चूतिया, है ना, कैमरा लेके घूम रहे या हुआ ऐसा सीन। तो देखो बात ऐसी थी कि कल हम शूट कर रहे थे, 5 बजे सब स्टूडेंट बाहर आए, जोरों की बारिश आ रही थी, स्टूडेंट आ रहे थे जा रहे थे, हम कैमरा लेके किसी कोई मिलता क्या कोई मिलता क्या ऐसे, मतलब कोई आंसर देगा क्या ऐसे ढूंढ रहे थे, बट कोई नहीं मिल रहा था, कोई सीधे से चला जा रहा था, सीधे जा रहा। हाँ, तो कल बात कुछ ऐसी हुई कि अगर 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 बारिश ना होती तो सीन्स कुछ अलग होते, मतलब यार बारिश तो ऐसे हो रही थी कि यार बारिश भी उसी दिन हो रही थी यार, जान बारिश तो होती रहती है। एनीवेज पानी गिर रहा था ऊपर से, ये जो मेरा माइक है प्यारा सा, है ना, उसका जो डेड कैड है पूरी गीली हो चुकी थी, है ना, और ये कैमरे पे पानी गिर रहा था, नया कैमरा है मेरा, मतलब दिल ऐसा अलग ही फील हो रहा था मुझे यार, कहीं मेरा कैमरा ना मतलब एक ही दिन में ख़राब हो जाए, है ना, तो ऐसा हो रहा था, ऊपर से पानी गिर रहा था, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना, तो यार मेरे जूनियर्स ने भी मुझे हेल्प की कल, तो थैंक यू उनके लिए, एंड आपके लिए भी थैंक यू कि आप यहाँ तक आए हो व्लॉग देखते देखते, ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू यार, ठीक है। तो आगे भी ऐसे कुछ चीज़ें करने की कोशिश करूँगा, अपने मोटिवेशनल वीडियो आते रहेंगे और गाइडेंस वाले चीज़ें आती रहेंगी, है ना, और भी चीज़ें आने वाली है, लाइक काउंसलिंग, है ना, अब नीट के बाद एग्ज़ाम के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें आती रहेंगी। ओके, तो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं फिर, बाय। रुको, कहाँ जा रहे हो, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है यार, इतनी जाने की जल्दी, ये लास्ट वाला पार्ट तो देख के जाओ। मेरे साथ जो मेरे जूनियर्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मतलब मैं जब वीडियो शूट कर रहा था, मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उन्होंने भी कुछ क्लिप्स निकाले मेरे क्वेश्चन पूछते टाइम के, तो देखो देख के जाओ। नॉर्मल था क्या 2020 का पेपर? क्यों? इट्स ओके, फाइन। तो तुझे अच्छा गया? ऑल द बेस्ट। केमिस्ट्री? मुझे बता कि जो 2020 का पेपर था पिछले साल का, उसकी कंपेयर में कैसा था? 2020 का पेपर बहुत इजी था। अच्छा, इससे इजी था, तुमने सॉल्व करा था 2020? यार एक एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करती, तो यार छोड़ो, जो हुआ वो हुआ, है ना, किसी को अच्छा गया किसी को ख़राब गया, जो हुआ वो हुआ, आज तक तुमने जो किया जितनी पढ़ाई की, एग्ज़ाम आई गई, अब हो गया, ठीक है, अब आगे की सोचो, जो भी आगे डिसीजंस लेने हैं वो अच्छे सोच के लो, है ना, प्रेशर में रहोगे टेंशन में रहोगे स्ट्रेस रहोगे तो आगे के जो डिसीजंस है वो गलत होंगे, है ना। तो फिर से बोल रहा हूँ, एक एग्ज़ाम लाइफ डिसाइड नहीं करती। हाँ, ये बात सही है कि एग्ज़ाम करियर डिसाइड कर सकती है ना, बट वो लाइफ डिसाइड नहीं करती, तो ये डिफरेंस जान लेना, एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।